नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. हाउ आर द अल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो अल्वियोलाई और गैसेस, ये वर्ड रिलेटेड टू किस लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है, दैट इज रेस्पिरेशन. किनका रेस्पिरेशन? ह्यूमन रेस्पिरेशन. ठीक है, रिलेटेड टू द ह्यूमन रेस्पिरेशन. तो अल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द लंग. ठीक है, तो लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, मींस ऑक्सीजन को अंदर लेती है, CO2 को बाहर छोड़ती है, कॉल्ड एज ए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, दैट इज अ ब्रीदिंग प्रोसेस. इन डिटेल हमने ये लर्न किया है. तो अल्वियोलाई किस तरह से डिजाइन किए गए हैं जो कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कर सके. ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन अवर लंग्स. दो लंग्स है हमारे, लेफ्ट एंड राइट. तो बहुत सारे अल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये अल्वियोलाई इस तरह से प्रिपेयर किए गए जो कि वो गैसेस को डिफ्यूज कर सके. तो अगर डिफ्यूजन करना है तो अल्वियोलाई की वॉल बहुत ही थिन मेम्ब्रेन वाली होनी चाहिए. तो अल्वियोलाई आर डिजाइंड पहले किस तरह से डिजाइन की गई है, वॉल ऑफ अल्वियोलाई बिकम्स वेरी थिन. वॉल क्या है उनकी, बहुत ही थिन है. ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ये अल्वियोलाई इस तरह की सैक लाइक बलून लाइक नहीं है खाली. तो इस अल्वियोलाई में उन्होंने सरफेस एरिया क्या किया है, इंक्रीज किया है. अल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या किया है उन्होंने, इंक्रीज किया है. सेकेंड पॉइंट. ठीक है, उनकी वॉल थिन है, उसके साथ इस अल्वियोलाई के पेरिफेरी में क्या प्रेजेंट है, इस तरह के कैपिलरीज का नेटवर्क. किसके लिए? गैसेस एक्सचेंज करने के लिए. क्योंकि अल्वियोलाई में ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन. क्योंकि ये रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. तो ऑक्सीजन कहाँ स्टोर होगा? ऑब्वियसली अल्वियोलाई में. तो अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है. और जो उसके पेरिफेरी में कैपिलरी का नेटवर्क जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, CO2 ज़्यादा होता है. तो ये दोनों एक्सचेंज होते हैं कहाँ, लंग्स में. अल्वियोलाई में ये एक्सचेंज होते हैं. क्यों एक्सचेंज पॉसिबल है? ड्यू टू द वेरी थिन वॉल. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सचेंज क्यों होता है? ड्यू टू द इंक्रीज सरफेस एरिया विद हेल्प ऑफ दिस विलाय लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो व्हाट, हाउ आर द अल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये दोनों उसके आंसर हैं. नेक्स्ट, अगर हमारे बॉडी में अल्वियोलाई, सभी अल्वियोलाई अगर हम यूनाइट कर दें तो टोटल 80 मीटर स्क्वायर इतना एरिया वो कवर करते हैं. 80 मीटर स्क्वायर बहुत ही बड़ा एरिया होता है. तो सभी अल्वियोलाई अगर हमने मिला दिए तो वो इतना स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेंगे. कितना? 80 मीटर स्क्वायर. अगर सपोज अल्वियोलाई में इस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया गया होता और उसमें डिफ्यूजन अगर नहीं पॉसिबल था, तो हमारे लंग्स से हमारे टोस तक, मींस पैरों तक ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज करने में 3 साल लग जाते. क्योंकि डिफ्यूजन इज अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस. कितने साल लग जाते? हमारे लंग्स टू टोस और लेग्स की तरफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करना है. अगर सिंपल वैसे डिफ्यूजन होता तो 3 साल लग जाते इसके लिए. लेकिन ये क्यों इजीली पॉसिबल है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड द अल्वियोला. ये कैपिलरीज
गैसेस का एक्सचेंज करने के बाद पूरा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसेस मिक्स करते हैं और उसके बाद हर्ट कंटिन्यूसली हमारे ऑल ओवर बॉडी गैसेस डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 अल्वियोले। स्टॉप करना है, पॉज करना है।